हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज 11.3। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ सर्कल या पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किस तरीके से फाइंड करते हैं, उससे फॉर्मूले देखे थे, उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोगों ने कहा था कि हम एक्सरसाइज 11.3 को डिस्कस करेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 11.3 द फर्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू आप क्या लेंगे ये दे दिया है, तो आपको 14 दिया है, 28 दिया है, 21 दिया है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आप कर लेंगे। फॉर्मूला आपको मालूम है सर्कमफेरेंस का क्या होता है, 2π into r। अब आप इसको पुट करेंगे, पाई की वैल्यू ये लेंगे, तो जैसे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी कि 2π r, तो c इज इक्वल टू 2 into π into r। तो हमने यहां रख दिया 2 into 22 upon 7 into 14, तो 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, अब इनका मल्टीप्लाई कर लिया, देन इट बिकम 88 सेंटीमीटर, ये आ गया। ऐसे ही आपको इसको और इसको फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट रेडियस सबकी गिवन है, यहां डायामीटर गिवन है, तो यहां पहले आप रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ आप रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर कर लेंगे। अब देखिएगा, यूनिट को ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर था इसलिए मैंने सेंटीमीटर लिया, यहाँ एमएम होगा, एमएम लिखेंगे आप, सेंटीमीटर है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन मिलीमीटर लिया है, तो आप एरिया अगर निकालेंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 49 लिखा है और मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को फटाक से करके देखते हैं। एरिया से पहले आपको डायामीटर गिवन है तो आप रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 49.2। इट इज, देखिए जब आपको यहां पर पाई की वैल्यू डेसिमल में नहीं गिवन है तो आप इसको डेसिमल में सॉल्व मत कीजिए, बस इसको इतना मीटर लिख लीजिए। एरिया जब डेसिमल गिवन हो तो डेसिमल लीजिए, वरना इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर 22 upon 7 into r स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 49/2 और into 49/2, तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, ये कैंसल, 2 1 जा 2 और ये हो गया 11। तो 11 multiply by 7 multiply by 49 upon 2 हमें करना है, तो चलिए पहले इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अपॉन 2 हम लोग कर लेंगे। तो 11 7 जा हो गया बेटा 77, तो 77 multiply by 49 कितना हो गया, ये हो गया 7 carry 9 और आ गया ये इतना आया, और फिर अपॉन 2 3773 आया बेटा, और फिर अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 0.5, और ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतने मीटर स्क्वायर का एरिया आएगा इस वाले क्वेश्चन में। कैलकुलेशन थोड़ा सा केयरफुली करेंगे आप, ये मेरा कैलकुलेशन था, आप टाइम ले सकते हैं, बट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप करेंगे तो बेटा आप इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1886.5 meter square, दैट इज योर एरिया। ओके, मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, ऐसे ही आप ये दोनों कर लेंगे। नेक्स्ट, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल सीट इज इतना गिवन है, फाइंड इट्स रेडियस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिया कि सर्कमफेरेंस गिवन है, पहले उसकी रेडियस फाइंड करो फिर उसका एरिया फाइंड करो। चलो फाइंड करते हैं, मैं इस वाले क्वेश्चन को हल्का सा इरेज कर रहा हूं और फिर फाइंड आउट करके दिखाते हैं आपको। देखो बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करते रहिए। देखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 154, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2π r, तो 2π r तुमने लिख दिया इज इक्वल टू 154 2π r। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 लेना है, तो 2 into 22/7 और आपको r पता ही नहीं है, r फाइंड करना इज इक्वल टू 154।
अब आप ट्रांसपोजिशन आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो डिवाइड हो रहा है उसको इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई, तो 154 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये जो दोनों मल्टीप्लाई में ये जाएंगे डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई बाई 22। अब आप 11 टू या 22 कर दीजिए और इसको कट कर दीजिए 11 से, तो 11 वन जा 11, 11 फोर जा 44, ये हो गया। फिर 2 से इसको कट करिए, 2 वन जा 2 और इसको कट करेंगे 2 सेवन जा, तो ये हो गया 49/2। 49/2 क्या आ गया बेटा, रेडियस। क्या आ गया? रेडियस आ गया 49/2। अब देखिए यहां पर आपके लिए इजी हो गया, अब आपको रेडियस पता है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी रेडियस 49/2 आ रही थी, तो एरिया अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है, और 49/2 ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में, जो भी आ रहा था आप यहाँ वो आंसर लिख लेंगे, क्योंकि लगभग सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया, कैलकुलेशन आपके यहाँ पर थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर कैसे एरिया निकालेंगे आप समझ गए, पहले रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस आपने फाइंड कर ली इतने सेंटीमीटर या इतने जो भी दिया हो मीटर, ठीक है, आपने वो फाइंड कर लिया कि इतने मीटर की रेडियस है, इतने मीटर की रेडियस है, उसके बाद एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिएगा, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर फेंस, देखो फेंस हमेशा बेटा पेरीमीटर पे होता है, याद रखिएगा। अ गार्डनर वांट टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायामीटर 21 मीटर का उसका गार्डन है डायामीटर में, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज, अगर लेंथ निकालना है उसे तो चारों तरफ सर्कमफेरेंस पे ही तो रोप की लेंथ आएगी, यानी कि सर्कमफेरेंस निकालो, रोप की लेंथ निकल गई, क्योंकि वो चारों तरफ से उसको कवर अप करेगा। ठीक है, ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस, अब उसे कितने राउंड बनाने हैं, एक सर्कल बनाना है फिर एक सर्कल और बनाना है, यानी कि 2 राउंड्स बनाने हैं, तो पहले एक सर्कल का एरिया निकालो मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी एक सर्कल का पेरीमीटर निकालो और उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ कॉस्ट इज, पहले टोटल लेंथ निकाल लेंगे फिर हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, तो आइए टोटल लेंथ निकालते हैं, कैसे आएगा देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर ये सर्कल सर्कुलर गार्डन है और ये उसका डायामीटर है विच इज 21 मीटर, और उसको अपने आउटर फेंस पे बनाना है, रोप लगाना है, तो एक राउंड रोप लगाया फिर एक राउंड और रोप लगाएगा, यानी कि डबल राउंड। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस, तो आपने निकाला सर्कमफेरेंस ऑफ गार्डन इज इक्वल टू पाई इंटू डी, डायामीटर गिवन है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 22/7 इंटू 21, 7 वन जा 7, 7 थ्री जा 20। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर इज 66 मीटर गिवन है, तो ये आ गया सर्कमफेरेंस। तो ये 1 times रोप की लेंथ है, अब 2 times करेंगे, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ रोप ऐसे निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रोप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 66 दैट इज बिकम 132 मीटर, इतना आएगा। अच्छा, साथ ही साथ क्या रहा है, गार्डन ये दिया है, ये आ गया, 2 राउंड बनाना था हमने, निकाल लिया। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप 4.4 पर मीटर, तो कॉस्ट ऑफ रोप कितना आ गया बेटा, अगर 1 मीटर का कॉस्ट 4 है तो 132 मीटर का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 132, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर इज बिकम 528। ठीक है, कितना आ जाएगा, 528 रुपीज, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द रोप। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब सोचिए कितना टफ था ये क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं थी, हमें बस एक बार क्वेश्चन आने समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर शीट है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, 4 centimeter, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 centimeter रिमूव, यानी कि समझो ये
ये फिगर देखिए, इस फिगर में समझा रहा है वो चीज़। एक बड़ा वाला सर्कल दिया है, उसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल रिमूव कर दिया गया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का एरिया अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, छोटी रेडियस तुमको पता है 3 और बड़ी रेडियस पता है 4, तो पहले बड़े वाले का एरिया निकाल लो, फिर छोटे वाले का एरिया निकाल लो, फिर बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दो। सिंपल है, ट्राई करो, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें सेम ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने बताया था कि शेडेड रीजन का एरिया इस तरीके के कॉन्सेंट्रिक में, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालते हैं? बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आसानी से कर लेंगे। मैंने क्या कहा? बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, बस दैट इज द शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, साइमा वांट्स टू पुट ए लेस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल। अब सर्कुलर टेबल की एज का मतलब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके समझाता हूं, देखिएगा। एज मतलब सीधे सीधे समझिए उसके किनारों पर, तो किनारों पर आ गया तो इसका मतलब सर्कमफेरेंस की बात कर रहा है कि एक टेबल है और टेबल के एजेस पे वो कुछ करना चाह रही है, जैसे क्या कह रहा है, लेस लगाना चाह रही है, ठीक है। तो किनारों पर लेस यानी कि सर्कमफेरेंस पर लेस लगेगा उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है कि साइमा वांट्स टू पुट ए लेस ऑन द एजेस ऑफ द सर्कुलर टेबल, यानी कि सर्कमफेरेंस निकालना है, जिसका डायामीटर कितना दिया बेटा, 1.5 मीटर दे दिया है, 1.5 मीटर दे दिया। आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, तो सर्कमफेरेंस निकाल लीजिए। लेस रिक्वायर्ड आ गया, जितना सर्कमफेरेंस होगा उतनी ही लेंथ चाहिए उसको, तो सर्कमफेरेंस आप निकाल लेंगे। आपको डायामीटर से फॉर्मूला पता है, डेसिमल का है बट कैलकुलेट आप कर सकते हैं। दूसरा, टोटल कॉस्ट भी बताना है, इफ 1 मीटर का कॉस्ट 15 रुपीज है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा है टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, यहां पर पाई की वैल्यू 3.14 लेके सॉल्व करेंगे, यानी कि पाई इंटू डी, यानी कि 3.14 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वो आ जाएगा सर्कमफेरेंस। जब सर्कमफेरेंस आ गया, सर्कमफेरेंस इज द लेंथ ऑफ द लेस, तो आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ द लेस इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द टेबल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डी, और उसके बाद कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद कह रहा है कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या निकालेंगे, जितनी लेंथ आएगी और मल्टीप्लाई बाय 15, ओके। नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडेड इट्स डायमीटर। देखिए, इस फिगर का निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मैंने कहा ना कि पहले हाफ सर्कल का ये और प्लस डायमीटर, ठीक है। तो हमको इसको निकालना है, तो आइए सर्कमफेरेंस निकालते हैं। तो पहले सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकाल ले, या अलग अलग हम लोग करना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो टोटल सर्कम या पेरीमीटर निकालते हैं, हम लोग सीधे पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब देखिए 2πr बेसिकली होता है, लेकिन यहां डायामीटर दिया है, यानी कि पाई इंटू डी, और इसका हाफ कर दो, ये टोटल सर्कल का होता है, और इसका हाफ करोगे तो इतने वाले पोर्शन का आएगा अपॉन 2, और प्लस ये पूरा डायामीटर, तो इज इक्वल टू, अब यहां पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 2 और प्लस 10, इससे इसको सॉल्व किया, दैट इज बिकम 31.4 अपॉन 2 प्लस 10। अब जब इसको अपॉन 2 करेंगे और 2 से कैंसल आउट करेंगे बेटा, 2 1 जा 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, तो ये आ जाएगा 15.7 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 25.7, और क्या दिया है लेंथ सेंटीमीटर, ये आ गया इसका टोटल पेरीमीटर। बहुत ही आसान था, कर लिए, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल। अब एक सर्कुलर टेबल को पूरा पॉलिश करेगा, तो किनारों पे पॉलिश नहीं होता बेटा, पूरे रीजन पे पॉलिश होता है, यानी कि एरिया की बात कर रहा है। सर्कुलर टॉप ऑफ डायामीटर 1.6 इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज दिस, तो आपको पाई की वैल्यू गिवन है कितनी लेनी है। अब आपको जब पॉलिशिंग करते हैं बेटा, तो आप एरिया की पॉलिशिंग करते हैं, तो आप एरिया निकाल सकते हैं,
बहुत ही आसानी से देखिए, डायामीटर गिवेन है, आप सबसे पहले रेडियस फाइंड करिए, उसके बाद आप एरिया फाइंड करेंगे कैलकुलेशन करके, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। एरिया फाइंड कर लिए, जब एरिया फाइंड करेंगे तो ये तो एरिया आ गया, दूसरा कह रहा है कॉस्ट निकालिए, तो कॉस्ट की वैल्यू कितनी दे रही है, 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 15 है, तो आपके एरिया से 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। ओके नेक्स्ट 9, सेजली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंड इनटू द शेप ऑफ सर्कल। अगर 44 सेंटीमीटर का लेंथ है और इसको सर्कल बना दिया तो हमारा पेरीमीटर हमको गिवन है कि नहीं गिवन है, 44 गिवन है ना, क्योंकि उसी को सर्कल फॉर्म में बनाओगे तो इस बार आपको सर्कमफेरेंस गिवन है 44, ठीक है, इस बार आपको गिवन है सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 44 गिवन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 44, पाई की वैल्यू क्या कह रहा है, ये पुट कर दो और आंसर ले आओ। रेडियस आ गया, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पाई की जगह 44 पुट करो, इस साइड ले जाओ मल्टीप्लाई में, फिर इसको इस साइड ले जाओ डिवाइड में, आपका रेडियस आ गया। ओके, आल्सो फाइंड द एरिया। अब जब आपके पास रेडियस आ जाएगा बेटा तो आप एरिया भी फाइंड कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे। इफ द सेम वायर इज बेंट इन टू द शेप ऑफ स्क्वायर। अब जब आप इतना कर लोगे बेटा तो कह रहा है सेम वायर को स्क्वायर में पता कर लेंगे, ठीक है, तो पहले इतना काम तो आप खुद से कर लोगे। अगर सेम वायर को स्क्वायर में बना दें तो बेटा वायर की लेंथ कितनी है, 44, अगर उसको कुछ भी बनाओगे तो उसका पेरीमीटर 44 ही आएगा ना, तो यहां पर देखना मैं किनारे सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन का आधा पार्ट, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड, ये कितना आएगा 44, तो साइड कितनी आ गई स्क्वायर की बेटा, 44/4 विच इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है वॉट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो ईच साइड की लेंथ आ गया 11 सेंटीमीटर, विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, सर्किल और स्क्वायर, तो सर्कल का एरिया तो तुम फाइंड कर लिए, स्क्वायर की साइड तुम्हें पता है, स्क्वायर का भी एरिया देख लो क्या आएगा, साइड इंटू साइड देख लिया, अब इन दोनों को कंपेयर कर दो कि एरिया ज्यादा किसका आ रहा है, ठीक है, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा यहां तुम लिखोगे दिस एरिया इज मोर, ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, या तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देख लीजिए, बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले एक बार आप ट्राई करिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं इस क्वेश्चन को अपलोड करके बता दूंगा, ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 10, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड ऑफ शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर कार्ड है जिसकी रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है तो सब कुछ पता है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 3 मीटर एंड द विड्थ इज 1 सेंटीमीटर रिमूव। देखो ये एक बड़ा कार्ड था, इसमें से ये सर्कल और ये रेक्टेंगल रिमूव कर दिया गया, क्या कर दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट का मतलब क्या होगा, देखिएगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है, आपने एरिया निकाला सर्कल का, अब इसमें से माइनस करेंगे, क्या क्या माइनस होगा, दोनों छोटे वाले सर्कल का एरिया, ठीक है, दोनों सेम रेडियस के हैं छोटे वाले सर्कल, तो यानी कि एरिया ऑफ सर्कल और इंटू टू क्योंकि दो हैं, और प्लस रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो एक बार मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज करके, देखिएगा कैसे करेंगे। तो आपको अगर एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना तो आप पहले क्या निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आपको रेडियस गिवन है तो 22/7 और इंटू 14 और इंटू 14, 7 × 7, 7 × 2 = 14, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 14,
616 आ गया, ये आ गया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर कार्ड का टोटल। अब रिमूव्ड एरिया कितना है ये, तो अब आप निकाल लीजिए रिमूव्ड एरिया, तो टोटल रिमूव्ड एरिया निकालना है। तो दो सर्कल है तो इसमें सबसे पहले 2 और मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 और आर स्क्वायर कितना है 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 3.5, ये हो गया रिमूव्ड एरिया। और प्लस रेक्टेंगल का एरिया 3 × 1, तो देखिए इससे इसको कट करेंगे 1 times और ये 2 times चला जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे कट करेंगे, ये चला गया। अब आपके पास बचा गया 22 मल्टीप्लाई बाई 3.5 और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास यहाँ आया 22 मल्टीप्लाई बाई 3.5 एंड प्लस 3 × 3, इसको कैलकुलेट करना है। तो मैं 22 मल्टीप्लाई बाई 3.5 करके देखता हूँ, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मैं यहाँ थोड़ा सा किनारे कर लेता हूँ, देखिएगा ये आ गया बेटा 77 प्लस 380, कितना आ गया टोटल 80, 77 इसका मल्टीप्लाई आ रहा है और ये आ गया 3, तो आ गया 80, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो टोटल एरिया यानी कि रिमूव्ड के बाद टोटल एरिया, ठीक है, तो लिखेंगे एरिया रिमेनिंग ठीक है, तो टोटल एरिया कितना आ रहा था उसका 616 और माइनस रिमूव्ड एरिया 80, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ गया, तो ये आ गया 5 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिमेनिंग एरिया, ये आपका रिमेनिंग शीट बच गई, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा, नेक्स्ट, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। 11, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। अब देखिएगा आपको स्क्वायर शीट गिवन है, मैं फिगर बना के समझा रहा हूं, समझिएगा, एक स्क्वायर शीट ऐसे गिवन है और इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 का ये है, 6 का ये है, हर एक साइड 6 की हो गई। एक सर्कल कट किया गया 2 सेंटीमीटर का, एक सर्कल हमने कट किया, इसमें इसकी रेडियस कितनी है बेटा 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब कह रहा एरिया बताइए, तो सबसे पहले आप स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, फिर आप छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। अब इसको कटआउट कर लिया गया ना, तो बचा कितना, तो यानी कि स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही बचा, काम खत्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14। अब बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गुड। नेक्स्ट, द सर्कमफेरेंस सी गिवन है ऑफ ए सर्कल इज दिस, तो आपको डायमीटर या रेडियस आराम से मिल सकता है। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, जब आपको रेडियस मिल गया तो एरिया भी फाइंड कर ही लेंगे आप, ओके। नेक्स्ट, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय पाथ ऑफ 4 meters वाइड। अब देखिएगा इसका फिगर समझिएगा, समझिएगा एक सर्कुलर फ्लावर बेड है इस तरीके का, ठीक है, ये फ्लावर बेड है, इसका कोई सेंटर होगा। अब कह रहा है इट इज सराउंडेड बाई 4 meters वाइड, यानी कि यहां से 4 centimeters की डिस्टेंस चारों तरफ, ठीक है, ये एक पाथ बना है इसके चारों तरफ 4 centimeters की डिस्टेंस तक का, ये सब टोटल कितना है 4 centimeters है इसके बेड से, ठीक है, 4 centimeters। आगे कह रहा है
द डायामीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। तो ये जो डायामीटर है ना बेटा इसका, ये 66 मीटर का है। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई, एरिया निकालना है, इसकी रेडियस कितनी आ गई, हाफ कर दिया 33। तो ये तो बेड का रेडियस आ गया, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ पाथ, यानी कि आपको इसका एरिया निकालना है। तो जब आपको बेड की रेडियस पता है तो आप बेड का एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ बेड पता कर लेंगे, पता चल जाएगा। अब आप एरिया ऑफ बेड विथ पाथ, अब बड़े वाला देखो, अगर ये 33 दिया है और ये वाला 4 दिया था, तो ये टोटल लेंथ कितनी आ गई बेटा, 37 आ गई कि नहीं आ गई। तो यानी कि अब आपको इस बड़े वाले बेड को भूल जाइए, अब एक बड़े वाले सर्कल का रेडियस आपको पता है, यानी कि ये पता है, तब आप निकालेंगे यहां पर एरिया ऑफ बेड विथ पाथ, यानी कि पाथ के साथ एरिया ऑफ बेड कितना है, रेडियस पता है 37, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बड़ा वाला पता चल गया और छोटा वाला तो आपने निकाला ही था, तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा बेटा, दिस, क्योंकि ये बड़ा वाला है, माइनस दिस, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बेटा, बस हमें केयरफुल होना होता है और क्या। अब सोचिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो कितना इजी है, बड़ा वाला है माइनस छोटा वाला, बस लैंग्वेज ऐसी लिख दिया है कि अंडरस्टैंडेबल थोड़ा सा नहीं हो पाता है, हमारे लिए डिफिकल्ट होता है समझना, लेकिन सोचिए कितना ईजी है, एक बार समझ में आ गया कितना ईजी है, हमें कुछ नहीं करना बेटा, कॉन्सेंट्रेट होना है सिर्फ। ओके, इसको ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, इसका फिगर भी यहां बना रहा है, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया, एरिया गिवन है, आप रेडियस निकाल सकते हैं। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया ऑफ दिस, यानी कि अब उसके ऊपर कुछ हम क्या कर रहे हैं, बिछा रहे हैं, गार्डन के ऊपर कुछ लगा रहे हैं जिससे वो कुछ एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, विल द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन, ठीक है, अब कह रहा है कि एक सॉरी स्प्रिंकलर वाटर दिया, मैं बिछाने की बात कर रहा हूं। देखिएगा, एक गार्डन है, गार्डन के एकदम सेंटर पे एक स्प्रिंकलर है, वो चारों तरफ पानी क्या करता है, स्प्रे करता है। ठीक है, तो उसका एक रेडियस दे रहा है कि इतने रेडियस में स्प्रे करता है, तो पहले आप गार्डन का रेडियस निकाल लेंगे, गार्डन के एरिया से गार्डन का रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब स्प्रिंकलर का रेडियस गिवन है तो इसके बाद आप स्प्रिंकलर के थ्रू कवर्ड एरिया निकाल लेंगे। अब आप देख लीजिए जहां दोनों में से एरिया किसका ज्यादा है, अगर स्प्रिंकलर का एरिया ज्यादा होगा तो यानी कि स्प्रिंकलर पूरे गार्डन में पानी डाल रहा है, लेकिन अगर स्प्रिंकलर का रेडियस कम हो गया तो इसका मतलब स्प्रिंकलर पूरे गार्डन में पानी नहीं डाल पा रहा है। बस रेडियस कम होगा तो एरिया छूटेगा ना बेटा, अगर रेडियस ज्यादा होगी तो इसका मतलब पूरे गार्डन में डाल रहा है। ठीक है, तो आपको यहां वाले एरिया से रेडियस पता चल जाएगी। ठीक है, या तो आप इसका कुछ मत पता करिए, ये पता है, और इसकी रेडियस पता है, इसका एरिया पता कर लिए, अगर जिसका एरिया ज्यादा है वो अच्छा है, यानी कि गार्डन का एरिया ज्यादा तो स्प्रिंकलर पूरे गार्डन में पानी नहीं डाल रहा है, अगर स्प्रिंकलर का एरिया ज्यादा तो पूरे गार्डन में पानी डाल रहा है, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर, देखिए क्या लिखा है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्किल, तो इनर आउटर सर्किल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सो अब देखिए यहाँ 10 है और ये 19 है, देखो ये टोटल 19 दिया है यानी कि बड़े वाले सर्कल का, और ये ब्रॉडनेस दे दिया है 10, तो छोटे वाले कितना आया, 19 माइनस 10 करोगे तो इसका रेडियस कितना आ गया, 9 आ गया। तो तुमको बड़ी वाली रेडियस 19 पता है, छोटी वाली रेडियस 9 पता है, सर्कमफेरेंस निकाल लो दोनों का बस। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस मस्ट रोटेट टू गो दिस मीटर, देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है बेटा, सर्कमफेरेंस निकालना है, क्योंकि अगर व्हील चलता है तो इस पार्ट पे चलता है, एरिया से कोई मतलब नहीं होता है व्हील का, सर्कमफेरेंस निकाल लो, सर्कमफेरेंस निकाल लिए और टोटल लेंथ कितनी चल रहा है 352, अब इसको सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर दो तो जितना आंसर आएगा उतना रोटेशन हुआ, यानी कि 352 अपॉन सर्कमफेरेंस इज द नंबर ऑफ रोटेशन, कितना रोटेशन ये करेगा। ठीक है,
समझ में आया? इजी है, बस यही एक हिंट है इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट, द मिनट हैंड ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड ओवर वन आवर. तो वन आवर, अगर ध्यान देना, मिनट हैंड वन आवर में पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है. अब उसकी रेडियस दिया है, ठीक है. अब रेडियस लॉन्ग दिया है तो मतलब रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, ठीक है. अब आपको रेडियस दिया है, पूछ रहा है एक घंटे में कितना करेगा, तो एक घंटे में एक चक्कर पूरा करता है ना वो, एक सर्कल बनाता है ना वो, तो निकाल लो 15 सेंटीमीटर रेडियस दिया है तुमसे. यही पूछ रहा है कि कह रहा है इन वन मिनट हाउ फार डज द टिप, तो सर्कमफेरेंस निकालना है बस. देखो लैंग्वेज का चेंज है, बट यहाँ क्या निकालना है बेटा, सर्कमफेरेंस निकालना है. रेडियस गिवन है, सर्कमफेरेंस निकालना है. अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है. आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए, जो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आप कमेंट में मुझे उन क्वेश्चंस के नंबर विद द एक्सरसाइज लिख दीजिएगा, मैं उन क्वेश्चंस की अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना आए. ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट की. यूनिट का कन्वर्जन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, उसके कुछ बेसिक एप्लीकेशन इनको देखेंगे, और थोड़े से और क्रिटिकल एरियाज को कैसे फाइंड करते हैं इनको देखेंगे. ओके बेटा, फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. ख्याल रखिए, क्वेश्चंस को करिए, पैनिक मत होइए, बस केयरफुल रहिए. बाय बाय.